अब देखो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की एक और न्यू वीडियो में। इस चैनल की सबसे अवेटेड वीडियो जो कि मैं बहुत कम बनाता हूँ, मतलब Q&A। एक तरीके से मैंने 2021 में एक Q&A बनाया था और ये हमारा सेकंड Q&A है। और मैंने इसमें सैन एंड्रियास का गेम प्ले क्यों लगाया आगे तुम्हें पता ही लग जाएगा, क्योंकि इस वाले गेम से मैं कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर पाता हूँ। और यार देखो, अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो तो मतलब सॉरी। बाय द वे, मैंने वो वाले क्वेश्चन पिक करे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द बंदों ने पूछे थे मेरे से और जिनका कि जवाब उनको चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यार एक क्वेश्चन में ही भाई ने तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए तो सबका जवाब देंगे। हाउ मच डिड यू स्कोर एट टेंथ? भाई टेंथ में मैं एक बार फेल हो गया था और उसके बाद जो है मैंने सेकंड डिवीजन से पास कर लिया था। और मतलब मैं ऐसा परसेंटेज वाला बच्चा था भी नहीं कि जो कि मतलब बहुत तगड़ा हाई स्कोर करता हो, मैं नॉर्मली तुम्हारे जैसा ही था। और यार देखो, बात रही गेम एक्स प्रो से मिलने की, गेम एक्स प्रो से मैं ऑनलाइन मिल गया था। मतलब जैसे वो भी गेम खेला करता था, मैं भी गेम खेला करता था। वो भी यूट्यूबर था, मैं भी यूट्यूबर था, तो ऐसे ही दोस्ती बनती रही। साथ में पूछ पूछ के डिवाइसेस लेते रहे कि हाँ ये बेस्ट है, ये लेना चाहिए या नहीं। मतलब ऐसे ही भाई गेम खेलते रहते थे, तो एक दूसरे से ऐसे ही मिल गए। बाय द वे, मैं रियल लाइफ में अभी तक गेम एक्स प्रो से नहीं मिला। और अगर तुम पूछोगे कि हाँ रियल लाइफ में किसी से मिलने का मन है नहीं दोस्तों में, तो भाई बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनसे रियल लाइफ में मिलने का मन है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त, पता क्या होता है यार आज के टाइम में, ऑनलाइन तुम्हें इतने अच्छे बंदे मिल जाते हैं जैसे कि तुम्हें ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। बट ऑफलाइन भी अच्छे होते हैं, ऑनलाइन भी अच्छे होते हैं, पर हाँ ऑनलाइन तुम्हारी फ्रेंडशिप किसी और लेवल तक जा सकती है। और यार तीसरा क्वेश्चन इसमें नॉर्मल सा ही है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि पापा ने मारा है नहीं। भाई सबके पापा मारते हैं एक आधी बार, बट अब नहीं मारते। जब तुम धीरे धीरे बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना छोड़ देंगे, क्योंकि फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाती है एक तरीके से। और यार वो बात अलग है, मुझे अभी तक भी समझ नहीं आई, बट धीरे धीरे आ जाती है सबको। यूअर वॉइस, आग वाला इमोजी, आंखों से दिल वाला इमोजी, मतलब भाई बताओ भाई कैसी है, मतलब यार तुम्हें कैसी लगती है ये वॉइस? आतिफ असलम जैसी थोड़ी ना है। मैं तो एक तो अब चार बार तो मैं अपनी आवाज बदल लेता हूँ एक वीडियो में। और यार उसके बाद तुमने ये इमोजी सी लगा दी। मैंने तुम्हें क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कहा था, मेरी वॉइस की तारीफ करने के लिए नहीं। वो तो मुझे पता है कि मतलब हाँ ठीक है, बेकार सी है, मुझे तो बेकार लगती है, बाकी मुझे नहीं पता तुम्हें कैसी लगती है। और सच बताऊँ तो अब इस फैक्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पता क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द बंदों को ना अपनी आवाज खराब लगती है अगर वो रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो। पर धीरे धीरे तुम जैसे ही उससे यूज टू हो जाओगे तो भाई तुम्हें खतरनाक लगने लगेगी और सिर्फ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तो आ ही जाता है। व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट? मतलब भाई वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मतलब वो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। थोड़ा ऐसा सही होता है ना, मतलब पहले ना घर वालों को थोड़ा समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद एकदम उन्हें पता लगे कि हाँ चलो भाई ये तो कुछ सही कर रहा था, इससे पेमेंट भी आती है। तो रिएक्शन ऐसा ही होता है नॉर्मल सा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे एक घोड़े पे चढ़ाया उसके बाद मेरे गले में हार की माला डाल दी कि अरे हमारे लोंडे ने तो बहुत ही खतरनाक काम कर दिया जी। सही सा ही होता है यार नॉर्मल सा। वैसे वो फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, सबके पेरेंट्स ही फोर्स करते हैं, और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए ठीक है। टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, टाइम टू टाइम गेमिंग करनी चाहिए, जो तुम्हारा मन है, जो भी एक्टिविटी तो करने में मतलब तुम्हारा मन लगता है वो करना चाहिए। बस रिएक्शन ऐसा ही था यार नॉर्मल, कैसे समझाऊं मैं। और यार देखो इसी क्वेश्चन में मतलब ये है कि व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ गेम प्ले? मतलब भाई सीक्रेट तो कुछ ऐसा ज़्यादा खास है नहीं गेम प्ले का, मतलब बस डेली खेलते रहो, तुम्हें बढ़िया खेलना ही जाएगा। और यार देखो अगर बात हो रही है सेटअप की, तो मैं तुम्हें बता दूँ यूट्यूबर के लिए उसका सेटअप सबसे मेन चीज़ होती है। और सेटअप की कॉस्ट कभी काउंट करनी भी नहीं चाहिए। मैंने खुद नहीं काउंट करी, मुझे नहीं पता मेरा सेटअप कितने का है, बट हाँ पीसी भी अच्छे खासे प्राइस का है और बहुत सारे डिवाइसेस भी अच्छे खासे प्राइस के हैं। बट स्टार्ट जो है मैंने यूट्यूब तुम्हें पता होगा सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से किया था। और यार जिससे मैंने स्टार्ट करा था वो भी वही बहुत तगड़ा कोई हाई एंड गेमिंग स्मार्टफोन नहीं था जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था। वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाया था, 15-16 हज़ार रुपये का फ़ोन था आई थिंक। सो वो एक MI का शाओमी कंपनी थी उसका फ़ोन था और MI A1 था। देन उसी से मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया था, बाकी तो यही है यार। तो गाइस देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये ना कर रहा होता अभी यूट्यूब, तो मैं क्या कर रहा होता अपनी लाइफ में? अगर मैं अभी यूट्यूब ना कर रहा होता तो मैं आई थिंक सो अपने बारे में मतलब अपने टीनेज से गुजर रहा होता, अभी भी गुजर रहा हूँ और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है खाली बैठना पसंद नहीं है। बाकी देखो स्कूल में मेरा थोड़ा कम मन लगा करता था पढ़ाई वगैरह में, बट हाँ और चीज़ों में मेरा फुल मन लगता है। भाई तुम मेरे से कुछ भी करा लो और मैं वो फुल डेडिकेशन के साथ करूँगा। तो अगर अभी मैंने यूट्यूब चूज़ ना करा होता तो आई थिंक सो मैं अपना कॉलेज पूरा कर रहा होता और या कोई कोर्स वगैरह कर रहा होता। और सेकंड क्वेश्चन ये है इसमें कि भाई तुम एम्बेरस होकर बताते थे क्या, मतलब जब दूसरे बंदों को बताना पड़ता था कि हाँ मैं ये करता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, ये लाइक गेमिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वो एम्बेरस मोमेंट था क्या वो बताना? तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने कभी आज तक किसी को बताया नहीं कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ या मैं क्या करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स को दो तीनों को पता था, मेरे घर में पता लग गया था थोड़े दिनों बाद, बट यार मैं खुद से जाके किसी को नहीं बताता था कि मैं यूट्यूबर हूँ या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। यूट्यूब भी भाई मैं पता नहीं कैसे कर लेता हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, वरना मैं लोगों से इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। अगर कहीं पर 5 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगा, बट यहाँ पर तुम देखोगे तो भाई मेरे अंदर पता नहीं कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब यार इसी में थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? मतलब भाई बिगेस्ट फियर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अब मैं इतना मैच्योर हो गया, मुझे किसी चीज़ से ऐसे डर सा तो नहीं
नहीं लगता, पर हाँ अगर तुम वैसे वाला फियर पूछ रहे हो कि हाइट से डर लगता है या आग से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो मुझे भाई पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो जो नदी चलती है ना भाई, उसमें पता नहीं लोग कैसे तैर लेते हैं। तो यार बाकी तो बिगेस्ट फियर वही है। और अगर तुम पूछो कि मुझे अपने अंदर चेंज क्या लाना है, तो भाई चेंजेस तो मतलब भाई बहुत सारे करने हैं, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर चेंज है भी नहीं मेरे अंदर, बस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो हो सके तो वही चेंज होगा मेरे लिए। मैंने YouTube कैसे स्टार्ट करा और मुझे उस टाइम पे किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा, मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा फ्रेंड हन्नी है एक, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मतलब जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था, और YouTube मैंने कैसे स्टार्ट करा था, मैंने तुम्हें बताया ना एक बारी मैं 10th में फेल हो गया था, उसके बाद तो मैं सारी क्लासेज में पास हो गया था आराम से 11th में 12th में, ठीक है। तो पहले मैं 10th में एक बार फेल हो गया था मैथमेटिक्स में, मतलब मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो वो टाइम पे मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहा करता था, क्योंकि मेरे क्लास के मेरे सारे दोस्त आगे चले गए थे मेरे से क्लास में, और भाई ऐसा होता भी है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो अगर तुम किसी चीज़ में फेल वगैरह हो जाते हो, मतलब होना नहीं चाहिए, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। और यार तभी मैंने ये चीज़ सोची थी कि हाँ स्टडीज़ के साथ और कुछ भी कंटिन्यू करना है, दैट्स व्हाई मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और आई थिंक सो मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं 10th में फेल ना होता तो आई थिंक सो मैं यूट्यूबर ना होता और मैं कुछ और कर रहा होता, या मतलब ऐसे ही कुछ भी मतलब कर रहा होता, बट हाँ ये वाली स्किल मेरे अंदर नहीं आई होती। यार देखो पर्टिकुलरली तो एक बंदा कोई इंस्पिरेशन है नहीं मुझे जिससे लगता है कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, वो चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई मूवी में हो, या चाहे कोई यूट्यूबर हो, भाई अगर मुझे उससे कुछ सीखना होगा तो मैं आराम से सीख लूँगा, या मुझे उससे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ भी लूँगा। और वैसे तो भाई सभी इंस्पायरिंग होते हैं, मतलब सभी तो मुझे कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, पर ऐसे कोई पर्टिकुलर एक बंदा नहीं है कि यार जिसे मैं इंस्पिरेशन बोल सकूँ, क्योंकि यार सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे चुका हूँ, विच स्टैंडर्ड यू स्टार्ट यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग, मतलब भाई ये तो मैंने 10th में स्टार्ट कर दिया था। अब क्रश का नेम, भाई क्रश तो कोई है ही नहीं, मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब, ठीक है कोई क्रश नहीं है, मतलब मैं ऐसे कोई किसको क्रश बनाऊँ यार, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं इन चीज़ों। और बाकी यार तुम बना सकते हो क्रश, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्रश वगैरह बनाने का। और लाइव स्ट्रीमिंग कभी स्टार्ट होगी फेस कैम के साथ तो जल्दी होगी, वैसे मेरा लाइव स्ट्रीमिंग करने का इतना मन नहीं करता, मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ लाइव, मुझे पसंद नहीं है इतनी, पर हाँ इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। और रिसेंटली भी मैंने करी थी, मतलब जब गेम बैन था तब करी थी, जब हम KR वगैरह खेला करते थे आई थिंक सो, बट हाँ अच्छी करी थी। व्हाट्स योर मंथली इनकम और रूम टूर कब बनाओगे? भाई मंथली इनकम मतलब अच्छी खासी है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब तुम्हारी दुआ से बहुत ज़्यादा। और YouTube की गाइडलाइंस होती है ऐसे, तुम अपनी मंथली इनकम बता नहीं सकते कि YouTube से मैं इतना पैसा कमाता हूँ, पता नहीं भाई YouTube ने ऐसी अजीब सी गाइडलाइन क्यों बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है YouTube इनकम साले यूट्यूबर इसलिए नहीं बताते ताकि नजर ना लग जाए, मतलब ठीक है भाई बाकी सही बात है, बढ़िया है, अच्छी खासी है। और यार रूम टूर कब बनाओगे? मतलब अभी तो नहीं, इन फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडियो बनाएंगे तो तुम्हें उसका टूर देंगे, ना कि रूम टूर। और यार फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें 2-3 बता देता हूँ जो कि मुझे याद हैं, मतलब मेरे मुंह पे ही हैं बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले एक स्टूडियो बनाना है, उसके बाद फेस कैम वगैरह करना है, देन उसके बाद कार ले लेंगे कोई एक अच्छी सी, नहीं मतलब भले ही ड्राइविंग पबजी में टट्टी हो, कार जरूर लेनी है भाई, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको कि मैं अभी चाहूँ, मतलब फ्यूचर प्लान्स ऐसे नहीं है कि मैं उन्हें मतलब ऐसे ड्रीम करता हूँ उनको पूरा करने का, मैं उन्हें अभी कर सकता हूँ, बट धीरे धीरे करेंगे सबको। और जैसे धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं, और भाई धीरे धीरे करने में हर एक काम को मजा आता है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। भाई ने पूछा है मैं रहता कहाँ पे हूँ, और लव फ्रॉम हरिद्वार, भाई मैं भी हरिद्वार में ही रहता हूँ अभी, बाय द वे मैं पहले पंजाब में रहा करता था बट अभी हरिद्वार में रहता हूँ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मतलब भाई जो टाइम पे हो जाए बस वो ही कर लेंगे, मतलब ऐसे कोई अपने अलग वाले ड्रीम नहीं है, थोड़े नॉर्मल ही है। और हाँ यार मुझे ये चीज पता है कि तुम्हें फेस कैम चाहिए, तो फेस कैम भी आएगा, दिक्कत ना लो जरूर आएगा, सब चीज आएगी भाई, फुल बॉडी रिवील आएगा, तुम कहोगे तो कच्चे में आ जाऊंगा मैं तुम्हारे आगे। और बताओ मेरी लाइफ का सैडेस्ट मोमेंट वही था भाई जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ मैं 10th में फेल हो गया था एक बार, और मोस्ट ऑफ दी बंदों का वही होता है, और पबजी से रिलेटेड भी नहीं है, पबजी बैन हुआ था वो तो बहुत ज्यादा सैडेस्ट मोमेंट था, मतलब एक टाइम पे भाई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि यार एक गेम ऐसा था ना मतलब जिससे अपन सब प्यार करते थे, ठीक है, जब पबजी बैन हुआ था थोड़ा खराब लगा, बट पबजी के अलावा अगर तुम मेरी लाइफ से पूछ रहे हो तो वही था कि जब मैं फेल हो गया था तो मुझे पता लग गया था कि भाई दुनियादारी क्या होती है, मतलब मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया था उस टाइम पे। मेरा फेवरेट इंडियन कॉम्पिटेटिव प्लेयर, भाई मैं इतना स्पोर्ट देखता नहीं बट हाँ देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब टूर्नामेंट्स होते हैं बड़े बड़े, तो यार उसमें मुझे क्लच गोड का गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जोनाथन का गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब तुम अभी के टाइम में एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ टीम गोड लाइक का गेम प्ले सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई, वो बहुत डोमिनेट करते हैं, वो मारते चलते हैं सीधा। तो अगर तुम फेवरेट कॉम्पिटेटिव प्लेयर की बात कर रहे हो तो हाँ ऑलवेज जोनाथन। और गाइस रिसेंटली जो है मैंने 12th पास करी है, और प्रैक्टिस ड्रिल्स भी भाई डाल ही देंगे, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी। अगर तुम कहोगे मुझे नहीं पता था कि मतलब तुम्हें प्रैक्टिस ड्रिल्स भी चाहिए, वैसे मैं इतनी प्रैक्टिस करता भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा गेम खेल रहा है तो मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती नहीं।
वाई यूअर वॉइस इज़ सो कूल। मुझे नहीं पता भाई, मैं आई थिंक सो कमेंट्री इतने दिनों से इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मतलब हो सकता है तुम्हें अब इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगने लगा हो। बट एक बारी मैं तुम्हें ये वाली वीडियो दिखाता हूँ, इसमें बताना वॉइस कैसी थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था कमेंट्री करना तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता था जब मेरा नया नया चैनल स्टार्ट था। तो मतलब देखो, मतलब पहले मैं ऐसा वॉइस ओवर करता था। जैसा कि मेरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना अच्छा गेम प्ले और 16 FPS पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो यार आप सभी लोग पूछते हैं कि भाई तू कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता है, हमें बता दे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 स्क्रीन रिकॉर्डर बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है और आपको भी वे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने चाहिए। तो यार अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं वे 3 स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है और आप इस वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है भैया जी आप तो। और यार डिफरेंस तो तुम्हें दिख ही गया होगा, मतलब अब की वॉइस में और पुरानी वॉइस में। मतलब तुम्हें लगेगा कि कोई किड बोल रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा। बट अभी ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। पहले मैं थोड़ा डरा सा रहा करता था, मतलब लोग क्या सोचेंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा अजीब सा लगता है यार। बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है वो भी। पर हाँ, ऐसा सीन होता है ना, तुम धीरे धीरे ये सब चीज़ सीखते हो भाई। तुम ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम हुए और तुम्हें सब कुछ ही आ गया। तो मतलब ऐसे मतलब इतने ज़्यादा वो मत करा करो कि हाँ भाई इसकी कमेंट्री इतनी अच्छी है, हमारी कब होगी। तो धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। और यार अभी जो है मेरी सिर्फ एज 18 साल है। अगर मैं देखता हूँ कि हाँ मैंने 18 साल में क्या अचीव करा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को समझता हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ अभी भी। और कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारे अंदर हमेशा होना चाहिए। बाय द वे, मोटिवेशन मैं देता नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हें मोटिवेशन लग रहा हो, तो एक तरीके से ले लेना छोटा बड़ा भाई समझ के। और यार मैंने स्किन्स पे कितना स्पेंड करा है ये तो मुझे खुद नहीं पता। मतलब बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं, बट जो है मोस्ट ऑफ द यूसी तो BGMI वाले या PUBG वाले ही दे देते हैं, मतलब तुम्हें पता होगा एज ए BGMI पार्टनर। बाकी गाइस जो ब्रांड डील से अर्निंग होती है वही मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने BGMI पे या PUBG मोबाइल में यूज़ किया करता था और अभी भी वैसा ही करता हूँ। पेरेंट्स से मैं कोई पैसे नहीं लेता और तुम्हें भी नहीं लेने चाहिए। अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत चलते हैं, बट ज़्यादा खर्चा गेम पे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कितना बड़ा है गेमिंग सेटअप? हाँ भाई, टेबल पे बैठा है, बिल्कुल देख लेना कितना बड़ा है किसी दिन आके। और GF है या नहीं सच बताना, मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ भाई। लड़कियाँ दोस्त हैं बट कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है जिनमें कि मैं सारी चीज़ें फिगर आउट नहीं कर पाता अपने बारे में या अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, खुद ही में मैं मतलब इतना उलझा रहता हूँ। तो यार GF BF वाला ये सीन, मतलब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ, मतलब इतना टाइम होता ही नहीं मेरे पे। YouTube जर्नी 0 to Hero, ये भाई मैं तुम्हें कभी फेस कैम वाली वीडियो में बताऊंगा, साथ में सब बंदों को लेके, मतलब जो भी मेरे आसपास हैं इर्द गिर्द हैं। तो मेक श्योर तुम्हें ये वाली वीडियो देखने के लिए मिलेगी, बट अभी नहीं। और बाकी 0 to Hero वाली ऐसी कोई बात है नहीं, इतना हीरो वीरो मतलब ऐसे मत बोला करो, सही है जो भी है। पर हाँ, तुम अगर जानना चाहते हो तो तुम्हें बताऊंगा मैं अपनी जर्नी। हमारी फैमिली में जो है 5 मेंबर्स हैं, एक मेरा डॉग, मेरे पापा, मेरी मम्मी, एक मेरी बहन और एक मैं खुद, ठीक है। और गेमएक्स प्रो तुम्हारा ब्रदर है? नहीं भाई, गेमएक्स प्रो ब्रदर तो नहीं है, बट ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत साथ दिया है यार उसने एक तरीके से। और अभी भी अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दोस्तों के पास ही जाता हूँ, गेमएक्स प्रो, मेरे में या और भी जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके पास जाता हूँ तो हेल्प कर देते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स जो है भाई एक तरीके से भाई ही होते हैं। गेमिंग में फ्यूचर इन इंडिया गाइस बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट इसके चक्कर में ना कभी अपनी स्टडीज़ वगैरह मत छोड़ना, उनको भी रखना, बट इसको तुम पार्ट टाइम कर सकते हो। एक तो एक ही काम जो है ना भाई, ये पार्ट टाइम वाला काम है, तुम इसे आराम से कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है। और अगर तुम इसके चक्कर में अपनी स्टडीज़ छोड़ रहे हो या और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है वो गेमिंग के चक्कर में छोड़ रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, सच में। मैं तुम्हें पर्सनली खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें मत छोड़ना इस चीज़ के चक्कर में। और गेमिंग और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस, तुम्हें इतने पैसे कमा के दे सकता है जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, या तुम किसी जॉब से भी नहीं कमा सकते। तो इसके चक्कर में अपनी जॉब वगैरह मत छोड़ना, पर हाँ तुम इसे साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हो। और बात रही फ्यूचर की, तो यार फ्यूचर तो मतलब अच्छा है, ब्राइट है बहुत ज़्यादा। बिग फैन ऑफ योर वॉइस, इसके पीछे का राज क्या है? भाई मुझे खुद नहीं पता इसके पीछे का राज क्या है, बस धीरे धीरे मतलब मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ डे बाई डे। और होप्स तुम्हें पसंद आ रही है तो अच्छी होगी भाई। तुम्हें बड़ा पता है कि हाँ वॉइस तो उसकी भी अच्छी हुआ करती थी, मतलब भाई तुम हद करते हो यार मोस्ट ऑफ द टाइम। शादी कब कर रहे हो भाई? मतलब ऐसा ये तो मतलब बहुत दूर की बात है भाई, मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ अभी, तो मुझे अपने बारे में ही बहुत सारी चीज़ें जाननी है। अगर मैंने अभी से शादी कर ली 18 साल की एज में, तो मतलब क्या ही रह जाएगा फिर तो, मतलब अभी नहीं भाई, करेंगे इन फ्यूचर, जरूर करेंगे, व्लॉग बनाएंगे फिर।
ये कौन कह रहा है मैं शादी करने वालों का रोस्ट कर रहा हूँ कि वो शादी करके व्लॉग बनाते हैं। व्हाट द फक भाई, मैं कितना टॉक्सिक हूँ। आज तो अपनी GFX क्रश का नेम बता दो। मतलब भाई यार, नहीं यार कोई है ही नहीं सच में, मैं बता देता है। इसमें मतलब बताने में क्या होता है, कहीं अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कहीं तुम उसके भाई तो हो नहीं जो तुम आके मेरा गिरवान पकड़ लोगे, अरे मेरी बहन को कैसे सेट करा। अगर होती तो मैं तुम्हें बता ही देता, मतलब भाई हर एक कोई बता ही देता है, बाकी फोटो ना दिखाता, पर हाँ होती तो बता देता। नहीं है गाइस, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब ठीक है। और यही था आज की इस वाली वीडियो में Q&A वीडियो। तुम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि लक्ष्य भाई एक Q&A वीडियो हो जाए, तो मैंने सोचा कि हाँ तुम इतना बोल रहे हो तो भाई क्यों ना हो जाए थोड़ा पबजी से थोड़ा डिफरेंट वीडियो, जिसमें कि तुम कुछ सवाल मेरे से करो, कुछ मैं तुम्हारे से करूँ। बाकी मजा आया गाइस वाली वीडियो बना के बहुत ज्यादा। तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, और अगर नहीं हो तुम इस वाले यूट्यूब चैनल पर तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इंटरेस्टिंग गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो या मेरा कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।